क्यों हुआ? अपने बिहार में लोग इसे गेहूं बोलते हैं, कहीं कहीं कोबरा बोला जाता है और कहीं नाग बोला जाता है, और हमारे उत्तर प्रदेश में इसे लोग फिटा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और आप समझते हैं जब दुर्घटना घटेगी तो पूरी सब्जी बटेगी, तो इससे आप दूर रहिएगा ये देखकर अपने घर पे। हेलो दोस्तों, तो हम फिर से हैं अपने गोपालगंज से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर, एक अमवन अक्षर गांव पड़ता है। दोस्तों अभी घर के पास में ही ईटा के अंदर सांप को दिखा गया है, तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, सांप का रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। इससे पहले बता दें कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं कि इस बेजुबान को बचाने के लिए हमें कॉल किए। तो ये दोस्तों चम 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 देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडियन कोबरा है। कौन तो दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कौन सांप है, गेहूं। अपने बिहार में लोग इसे गेहूं बोलते हैं, कहीं कहीं कोबरा बोला जाता है और कहीं नाग बोला जाता है, और हमारे उत्तर प्रदेश में इसे लोग फिटार कहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कोबरा का बच्चा है, ये देखने से तो ऐसे में छोटा दिख रहा है, लेकिन जब काट देगा तो बड़ा धमाल करेगा, यानी कि काटने के बाद से इसके कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूंक कार्य नहीं करेगा, ये जब काट लेगा तो डरेगा, एंटी वेनम से आपकी जान प्राण बच सकती है। नहीं तो अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं किसी तांत्रिक ओझे गुने के चक्कर में, तो आपकी मौत हो जाती है। देख लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं देखिए कैसे ये फुंकार रहा है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में दोस्तों चलाते हैं, वो पेट में दर्द, उल्टी, नींद आना, गला सूख जाना, और जहाँ पर काटेगा वहाँ पे स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और मौसम में थोड़ा परिवर्तन आया है, ठंड लग रहा है। अभी जितने भी रेप्टाइल्स है धीरे धीरे लगभग दिसंबर मंथ में रेप्टाइल दिखना बंद हो जाएगा, रेप्टाइलों का दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है, और जब ठंडा ज्यादा चलेगा तो ठंडी के कुप्रभाव से बचने के लिए ये सुरागों में चले जाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे घरों के आसपास आना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अपने भोजन के तलाश में भटक कर हमारे घरों के अंदर या घरों के आसपास चले आते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये भी थोड़ा ठंडी है इसलिए थोड़ा खड़ा नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं कैसे खड़ा हो जाएगा। डबल हेड। तो दोस्तों हम वीडियो में बार बार बोलते हैं कि अगर सांप काटता है तो आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाइएगा, किसी तांत्रिक ओझे गुनी
के चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा। दोस्तों जब इसे खतरा महसूस होता है तो अपने ये जीभ को बार बार बाहर निकालता है, और देखिए कैसे जीभ को बाहर निकालेगा ये। देखिए कैसे अपने जीभ को बाहर निकाल रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि ये दूध पीता है, तो ये दूध नहीं पीता है, क्योंकि दूध को पचाने वाला ग्लैंड्स इस स्नेक के पास नहीं पाया जाता है। कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। अगर किसी कारणवश कहीं भूख के कारण अगर वो दूध पी भी लेता है, या बहुत लोग करते कहते हैं कि नागपंचमी के दिन इन सांपों को दूध पिलाया जाता है। अपने सिर्फ भारत की परंपरा है कि सांपों को नागपंचमी के दिन दूध पिलाया जाता है, लेकिन नागपंचमी के दिन उस सांप को दूध पिलाया जाता है जिस सांप का लगभग 15 दिन 20 दिन एक मंथ पहले से उसका दांत को तोड़कर रखा जाता है। और सपेरा क्या करता है, नागपंचमी के दिन उन सांपों को लाता है और हमारे बस्तियों की तरफ उसे ले आकर दूध पिलाने का कोशिश करता है। सांप तो भूख के कारण दूध पी लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है, यानी कि 5 से 6 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसको दूध इसके पास दूध को बचाने वाला ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है। इन बेजुबानों को आप दूध पिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, इंतजार घड़ी समाप्त होती है, इसको डब्बे के अंदर पैक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सब देखकर आप अपने घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि सावधानी घटी दुर्घटना घटी, और आप समझते हैं जब दुर्घटना घटेगी तो पूरी सब्जी बटेगी। तो इससे आप दूर रहिएगा, ये देखकर अपने घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसको डब्बे के अंदर हम पैक कर दिए हैं। देखिए ड्रेसिंग में सुआ चाहे काटी। तो दोस्तों हमारा मकसद ही है सांपों को इंसान से बचाना और इंसान को सांपों से बचाना। तो दोस्तों इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतु का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर सांप नहीं रहेंगे तो हमारे जो फसल्स हैं, फसल जो हम बोते हैं खेत में, उस पर ज़्यादा हानि पहुँचेगा। चूहों की जनसंख्या बढ़ेगी और चूहा हमारी फसल को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों इसका मुख्य जो भोजन होता है वो चूहा और मेढक ही होता है। ये चूहे और मेढक के तलाश में ही हमारे घरों के आसपास आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सुआ है। हमारे बिहार में इसका उपयोग अधिकतर जो दौरी होता है उसी को मूज के साथ बिनने में, दौरी में ये मदद करता है। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए बना दिए, यहाँ पर बन गया और इसे ऑक्सीजन मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आपसे किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं इन बेजुबानों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।